बिहार के शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस पर उंगली उठा दी है, जिसके बाद पूरे देश में भूचाल आ गया। एक सुर में आवाज उठ रही है कि मुसलमानों पर क्यों नहीं बोलते। सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनल तक कह रहे हैं कि हिंदुओं पर उंगली उठाना आसान है, पर सवाल है कि उंगली उठाने वाला कौन है। रामचरितमानस को कौन से मुसलमान ने बुरा कहा? रामचरितमानस को मुसलमान नहीं पढ़ते हैं और ना ही रामचरितमानस का ताल्लुक मुसलमानों से है। रामचरितमानस पर सवाल उठाने वाले कौन है? तो जवाब है हिंदू, बोले तो सनातनी। जब मुगलों के दौर में रामचरितमानस लिखने वाले सनातनी और आज के दौर में पढ़ने वाले सनातनी और उसी रामचरितमानस पर उंगली उठाने वाले सनातनी, तो फिर मुसलमानों से कहा है कि तनातनी। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा है। उस दौर में मुगलों का राज हुआ करता था। तुलसीदास ने हजारों साल गुजर जाने के बाद रामचरितमानस लिखी है। अगर रामचरितमानस में समाज के किसी भी वर्ग या जाति के खिलाफ कोई बात लिखी गई है तो उसे तुलसीदास लिख रहे हैं। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, यानी पुरुषों में सबसे उत्तम। गोस्वामी तुलसीदास ने अगर भगवान राम के हवाला देकर कुछ भी लिख दिया तो ऐसे में सवाल है कि कई हजार साल बीत जाने के बाद अगर कोई व्यक्ति भगवान राम के हवाले से कुछ कहता है तो क्या उसे प्रभु राम के बयान के तौर पर देखा जाएगा? धर्म ग्रंथ किसे कहा गया है? धर्म ग्रंथ वेद को कहा गया है, धर्म ग्रंथ पुराणों को कहा गया है। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस हिंदुओं का धर्म ग्रंथ नहीं है। उसी तरह से बहुत से लोग मनुस्मृति की आलोचना करते हैं, पर सवाल है कि क्या मनुस्मृति धर्म ग्रंथ है? लेकिन धर्म और जाति की सियासत करने वाले निजी फायदे के लिए राम पर सवाल उठाते थे। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि लोग बुनियादी मुद्दों पर बहस करने के बजाय कह रहे हैं कि जरा मुसलमानों के कुरान पर सवाल उठाकर दिखाओ। मतलब बयान दिया बिहार के शिक्षा मंत्री ने, पर बार बार मुसलमानों को उनके बयान के बीच में क्यों घसीटा जा रहा है? क्या कुरान में हिंदुओं को बुरा कहा गया है? कि क्या कुरान में पंडित ठाकुर बनिया या शूद्र का जिक्र किया गया है? क्या कुरान में प्रभु राम का जिक्र किया गया है? क्या कुरान में हिंदुओं के किसी देवी देवता के बारे में बुरा कहा गया है? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। पर सोशल मीडिया पर कुछ लोग कह रहे हैं कि रामचरितमानस पर सवाल खड़ा किया है तो कुरान पर क्यों नहीं सवाल उठाया? पर असल मुद्दा यह है कि शिक्षा मंत्री हिंदू, बिहार के मुख्यमंत्री हिंदू और तो और कुर्सी पर बैठे बैठे बड़े नेता हिंदू, तो मुसलमानों ने ऐसा कौन सा कर्जा खाया है जिसकी वजह से उनको इस बहस में घसीटा जा रहा है? एक बात तो बिल्कुल साफ, जातिवाद हिंदू धर्म की खासियत है या बीमारी, इसका मुसलमानों से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। हमारा देश जातिवाद को बुरा मानता है, हमारे देश का कानून में जातिवाद की कोई जगह नहीं है, हमारे देश का संविधान हर नागरिक को एक नज़र से देखता है। अगर बिहार के मंत्री ने जातिवाद का सवाल उठाया है तो इसमें दिक्कत किसे है? क्या मुसलमानों ने जातिवाद का समर्थन किया है? क्या मुसलमानों ने दलितों को मंदिर में घुसने से रोका है? क्या मुसलमानों ने बनिया ठाकुर पंडित शूद्र बनाया है? नहीं, तो फिर मुसलमान इस जातिवाद के लिए कैसे जिम्मेदार हो गया? जब भारत में केवल सनातनी ही सनातनी हुआ करते थे तब भी भारत में बड़े बड़े हथियार बनाए गए थे। बाप बेटे को मारता था, बेटा बाप को मारता था, भाई भाई को मारता था, जीजा साले को मारता था, पत्नी अपने पति को मारती थी, खून के कुएं भर जाते थे, एक राजा दूसरे राजा से लड़ता था। क्या सब कुछ मुसलमानों ने किया है? जब सनातनी ही राम पर सवाल उठा रहे हैं, जब खुद को हिंदू कहने वाले लोग ही रामचरितमानस पर सवाल उठा रहे हैं, राम के वजूद पर सवाल उठा रहे हैं, रावण की लंका पर सवाल उठा रहे हैं, राम के अयोध्या पर सवाल उठा रहे हैं, माता सीता के चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं, श्री कृष्ण पर सवाल उठा रहे हैं, वेदों पर सवाल उठा रहे हैं, पुराणों पर सवाल उठा रहे हैं, उपनिषदों पर सवाल उठा रहे हैं। पर सवाल है कि मुसलमानों ने बौद्ध धर्म का इजाद नहीं किया था, मुसलमानों ने जैन धर्म नहीं बनाया था, मुसलमानों ने सिख धर्म नहीं बनाया था, मुसलमानों ने पारसी धर्म नहीं बनाया था, मुसलमानों ने किसे बुरा कहा है? मुसलमानों ने न रामचरितमानस पर सवाल उठाया और ना ही मनुस्मृति जलाया। सबसे पहला सवाल उठाने वाले बाबा साहेब अंबेडकर एक सनातनी थे, मनुस्मृति को जलाने वाले भी अंबेडकर थे, महिलाओं को सती प्रथा के नाम पर जलाने वाले भी सनातनी ही थे, महिलाओं को नई जिंदगी देने वाले राजा राम मोहन राय भी सनातनी थे, दक्षिण और पूर्वोत्तर में गोमांस बेचने वाले और बीफ खाने वाले भी सनातनी ही हैं, बच्चे पैदा करने की होड़ में कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराने वाले बीजेपी सांसद रवि किशन भी सनातनी हैं, गांधी को मारने वाले भी सनातनी ही हैं, हत्यारे गोडसे का मंदिर बनाने वाले भी सनातनी हैं, बंगाल में मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाने वाले भी सनातनी ही हैं,
मुसलमानों से जय श्री राम के नारे लगवाने वाले भी सनातनी ही हैं और मुसलमानों के साथ दुख दर्द में खड़े रहने वाले भी सनातनी ही हैं, मुसलमानों को दुश्मन मानने वाले भी सनातनी हैं और मुसलमानों के साथ कंधे से कंधा मिलाने वाले भी सनातनी हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक भारत में सरकारें चलाने वाले नेता भी सनातनी हैं और एक दूसरे की धोती खोलने पर आमादा होने वाले भी सनातनी हैं। देश में 85% जनता सनातनी है। सबसे ज़्यादा नॉनवेज खाने वाले भारत की जनता सनातनी है। चिकन, मटन, पाया, कबाब, नहरी, झींगा, अंडा, सुअर, भैंस खाने वाले भी सनातनी हैं। देश से पैसा लूटकर विदेश में जाकर मौज काटने वाले भी सनातनी हैं। एक बुजुर्ग महिला पर पेशाब करने वाला भी सनातनी है। 15 लाख का वादा करने वाले भी सनातनी हैं। अच्छे दिन का सपना दिखाने वाले भी सनातनी हैं। काला धन वापस लाने का वादा करने वाले भी सनातनी हैं। बैंकों का कर्जा लेकर विदेश भागने वाले भी सनातनी और उनको भगाने वाले भी सनातनी। आतंकियों के साथ फोटो खींचने वाले भी सनातनी। सिर तन से जुदा करने वाले के साथ फोटो खींचने वाले नेता सनातनी। मुसलमानों का बहिष्कार करने वाले सनातनी। जूते मारने का नारा लगाने वाले सनातनी। धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ हथियार उठाने की अपील करने वाले सनातनी। टीवी चैनलों के मालिक सनातनी। टीवी चैनलों पर जहर फैलाने वाले प्रवक्ता सनातनी। न्यूज एंकर के पेश में जहर फैलाने वाले सनातनी। जिहाद के किस्से बताने वाले तिहाड़ी पत्रकार सनातनी। नोट में माइक्रोचिप खोजने वाले सनातनी। 2000 नोट का सिग्नल सैटेलाइट तक पहुंचाने वाले सनातनी। भ्रष्टाचार की मिसाल कायम करने वाले सनातनी। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले सनातनी और इन जासूसों का पर्दाफाश करने वाले सनातनी। चीन को लाल आंख दिखाने वाले सनातनी। लाल आंख पर सवाल उठाने वाले स्वामी जी सनातनी। मस्जिद में फोटो खींचने वाले सनातनी। ओ माई गॉड में भगवान का मजाक बनाने वाले अदाकार सनातनी। फिल्मकार सनातनी। बेरोजगारों को पकोड़ा तलने की राह दिखाने वाले सनातनी। गुफाओं में रासलीला मनाने वाले भी सनातनी हैं। गुफाओं में जाने वाले भी सनातनी हैं और पाखंडियों का पर्दाफाश करने वाले भी सनातनी। गुफाओं में कैमरे के सामने ध्यान लगाने वाले भी सनातनी। पीएम सनातनी, सीएम सनातनी, सबसे ज़्यादा डीएम सनातनी। फिर भी आपस में इतनी तनातनी क्यों? हमारे देश में मुसलमान बाहर से नहीं आया, बल्कि हमारे देश के सनातनी ही धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बन गए। हमारे देश का सनातनी ही बौद्ध बन गया, जैन बन गया, ईसाई और सिख बन गया। जिन हिंदुओं को जातिवाद से दिक्कत थी, वो उन्होंने बिना शोर मचाए धर्म परिवर्तन कर लिया। हिंदू धर्म को बुरा नहीं कहा, क्योंकि उनका धर्म दूसरे धर्म को बुरा कहने से रोकता है। तो ऐसे में सवाल है कि हर बात में मुसलमानों को घसीटना सही नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री का बयान बुरा है या फिर अच्छा, इस बात का फैसला करने के लिए हमारे देश में सनातनियों की कोई कमी नहीं है। इसलिए मुसलमान और कुरान पर सवाल उठाना बेमानी है। जो रामचरितमानस पर सवाल उठा रहे हैं, उन पर सवाल उठाना ज्यादा बेहतर है। बहरहाल चलते चलते आखिर में शौक बहराइची ने भी क्या खूब फरमाया है। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मिल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।